मेरा नाम प्रीति विश्वास है और मेरी कहानी का शीर्षक है यादों का ताल्लुक। कहने को अब लगभग कुछ एक साल बीत चुका है और हमारे दरमियाँ अब एक अनंत दूरी पैदा हो चुकी है, मानो खालीपन ने आशियाना बना लिया हो। पर किसे क्या फ़र्क पड़ता है, गलत फहमियों ने तो पहले से ही हक जमा रखा था हमारे रिश्ते पर। जुदा होना तो मुनासिब था, मुस्तकबिल था हमारा। इस वर्तमान परिस्थिति को तो हम मीरों दूर से ही देखते चले आ रहे थे, पर दोनों ने खामोशी इंतकाब करा। शिकायतें करूँ किससे करूँ, तुझसे जिससे अब फकत यादों का ही ताल्लुक रह गया हो। तू तो छोड़ गया सवाली, मैं क्या करूँ इन सवालों के जवाब की हसरत में मुझे तेरे नक्शे पा की तलाश नहीं। अब हमारे दरमियान ये सवाली ताल्लुक ही काफ़ी है। सुनो, तुम रहो मैं रहती हूँ, हम ऐसे ही बेहतर है। किसी समान अंतर रेखाओं की तरह ये बच्चा कुचा जीवन व्यतीत कर लेंगे, तुम और मैं। मुलाकात ज़रूरी तो नहीं, इश्क के लिए बातें ज़रूरी तो नहीं, मेरा इश्क लफ्ज़ों का मोहताज तो नहीं। हमारे दरमियान ये खामोशी का ताल्लुक ही काफ़ी है। किसी औपचारिक या अनौपचारिक रिश्ते की ख्वाहिश नहीं मुझे अब। सीमाओं में, बाधाओं में मुझे अपना ये इश्क दोबारा नहीं समेटना। किसी तरह की प्रतिबद्धता, प्राथमिकताओं पर फिजूल के बहस, हक जताना, बेसबब ही रश्क करना, मुझे ये सब दोबारा नहीं चाहिए, मुझमें क्षमता नहीं है। हमारे रिश्ते के धागे के रेशों को एक एक करके टूट कर बिखेरते देखा है मैंने। और यकीनन बेहद मुश्किल था। खैर, ये इश्क मुझ तक ही बेहतर है, समझने समझाने की कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि हमारे दरमियान अब यादों के ताल्लुक के सिवा कुछ भी तो नहीं। शुक्रिया।